शुभारंभ का दिन है। ये चतुर्मास विशेष रूप से धर्म आराधना, धर्म जागरणा का मूल अवसर होता है। तो हम देखेंगे कि भगवान महावीर ने उत्तराध्यन सूत्र में धर्म जागरणा का फल क्या बताया है। भगवान महावीर से उत्तराध्यन सूत्र में कई प्रश्न किए गए हैं, धर्म के अलग अलग सिद्धांतों को लेकर के, धर्म की अलग अलग प्रैक्टिस को लेकर के। जैन धर्म में हम जिन चीजों को प्रैक्टिस करते हैं उनका क्या बेनिफिट है, इसको लेकर के काफी प्रश्न किए गए हैं। तो एक प्रश्न ये है कि धम्म श्रद्धाएनं भन्ते जीवे किं जने। व्यक्ति यदि धर्म पर श्रद्धा करता है, धर्म का आचरण करता है, तो उसको क्या लाभ होता है, क्या बेनिफिट होता है। भगवान महावीर ने कहा कि धम्म श्रद्धाएनं साया सुखे सुरज्जमाने विरज्जयी अगार धम्मम चरणम चयी अणगारेणम जीवे शारीर मानसानाम दुखानम छेयन भेयन संजोगायनम वुच्छेयम करेई अब्बा बाहम च सोहम निवत्तेई। भगवान महावीर ने कहा कि धर्म श्रद्धा करने वाला व्यक्ति अपने भीतर में एक विरक्ति को जन्म देता है, वैराग्य को जन्म देता है, बाह्य जगत से उसकी विरक्ति होने लग जाती है। तो वो बाहरी जो सुख है उस सुख में, उस सुख के जो साधन है उनमें उसकी जो आसक्ति है वो कम होने लगती है। और अगार धम्मम चरणम चयी, अगार धर्म को कभी कभी स्वीकार करता है या गृहस्थ धर्म का त्याग भी कर देता है। दोनों अर्थ इसको हम लगा सकते हैं। अगार धर्म का मतलब है श्रावक के जो व्रत है, जो नियम है, उनको वो स्वीकार करता है। या गृहस्थ जो धर्म है, गृहस्थोचित जो कर्म है, उसका वो त्याग कर देता है। तो यहाँ पर चयी का मतलब है त्याग करना। तो गृहस्थोचित जो कर्म है उनका वो त्याग करता है, संयम का अधिक से अधिक पालन करता है। अणगारे नम जीवे शारीर मानसानम दुखानम छेयन भेयन संजोगायनम वच्छेयम। और अगर वो साधु बनता है तो साधु बनकर के वो शारीरिक मानसिक दुखों का नाश कर देता है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जीवन की क्या है, दुख है। मनुष्य क्यों धर्म करता है, दुख से मुक्त होने के लिए। सो जैन धर्म में भी इस बात को महत्व दिया गया है कि मोक्ष क्या चीज है। सिज्जंसी बुज्जंसी मुच्छंसी परिनिब्बायंसी निब्बायंसी सब दुखान मंतम करेंसी। ठीक है ना, आप जब मुक्त होते हैं, सिद्ध होते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं, तो आप क्या करते हैं। सबसे पहले आप बुद्ध बनते हैं, एनलाइटेंड हो जाते हैं, अपने भीतर से अवेकंड हो जाते हो, जागृत हो जाते हो, आपकी आत्मा पूरी तरह से जागृत बन जाती है। कर्मों से मुक्त हो जाते हो, आठों प्रकार के जो कर्म है जिसके कारण से आप संसार चक्र में चल रहे हो, जन्म और मृत्यु के चक्र में साइकिल में चले आ रहे हो, तो उस चक्र का से आप बाहर निकल जाते। और सिज्जन से बुज्जन से मुच्छन से सिद्ध हो जाते हो, इन्हें सभी प्रकार के आपके जो जीवन के उद्देश्य है वो एकम्प्लिश हो जाते हैं एक तरह से। और सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा क्या है, मोक्ष प्राप्ति है, कर्म के बंधनों से छूटना है। तो जब आप मोक्ष प्राप्त करते हो तो आप अपने सारे जीवन के जितने भी आपके उद्देश्य हैं, चाहे आप सांसारिक उद्देश्य, जब तक आप संसार में रहे अपने उन उद्देश्यों को आप अचीव करते रहे, अंत में आपका जो आध्यात्मिक लक्ष्य था वो भी आपका प्राप्त हो जाता है। तो इस ये एक तरह से एकम्प्लिशमेंट का टाइम होता है। जब मोक्ष प्राप्त करता है तो जीव पूरी तरह से हर चीज को अकम्प्लिश कर लेता है, अचीव कर लेता है, फुलफिल कर लेता है, अब उसकी कोई चाह नहीं रह जाती। और परिनिर्वाण यंसी अगर परिनिर्वाण को प्राप्त कर लेता है, यानी जो एवर लास्टिंग जिसको हम पीस कहते हैं, निर्वाण का मतलब होता है शांति, पीस। तो जब व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है तब वो एवर लास्टिंग पीस को अचीव कर लेता है। फिर उसके जीवन में कभी भी अनरेस्ट वाली कोई बात होती नहीं है, कोई तनाव नहीं होता है, कोई टेंशन नहीं होता है, कोई तरह की अशांति उसके जीवन में नहीं रहती है। तो पूरी तरह से शांति को प्राप्त कर लेता है हमेशा के लिए, जो शांति उसे प्राप्त होनी चाहिए, असीम शांति का वो अनुभव करता है।
और लास्ट में सब दुखान मंतम करे, सारे दुखों का अंत कर देता है। दुख तीन तरह के दुख माने गए हैं, शारीरिक दुख, मानसिक दुख और आध्यात्मिक दुख। तो आध्यात्मिक, या तो आध्यात्मिक शब्द हम स्पिरिचुअलिटी के सेंस में लेते हैं, किंतु हमारे अंदर जो अशुभ कर्म है या कषाय है उनके कारण से भी हमें कर्मों का वेदन करना पड़ता है, कई तरह के कष्ट होते हैं, तो वो एक प्रकार से आध्यात्मिक दोष माने जाते हैं। कषाय को आध्यात्मिक दोष कहा गया है, ये आत्मा में रहने वाले दोष है। बाकी कुछ दोष होते हैं हमारी नेगेटिव थिंकिंग है, तो ये हमारे माइंड से जुड़ी हुई है एक प्रवृत्ति की, हम किसी चीज को नेगेटिवली लेते हैं या नेगेटिवली सोचते हैं, तो वो नेगेटिविटीज भी जो है हमारे लिए अच्छी नहीं है। किंतु क्रोध मान माया लोभ जो है ये आत्मा के लगे हुए इस तरह के दोष है, जिसके कारण से जीव अनंत काल तक इसी संसार चक्र में चलता रहता है और अनेक प्रकार के कष्टों का अनुभव करता रहता है। सो ये मूल जड़ क्या है? कषाय है, सारे रोगों की जड़, सारी समस्या की जड़, चाहे वो सामाजिक समस्या हो, चाहे व्यक्तिगत समस्या हो, चाहे आध्यात्मिक आपकी समस्या हो, उन सबकी मूल जड़ हमारा कषाय। तो उस कषाय से मुक्त हो जाने से आप असीम शांति का अनुभव करते हो, वीतराग दशा को प्राप्त कर लेते हो और दुखों का अंत भी कर देते हो। सारे दुख जो है कषाय के कारण से उत्पन्न होते हैं, जिसमें कषाय नहीं, सीड ही नहीं है, कॉज ही नहीं है, तो इफेक्ट भी नहीं उसका कुछ होना है आपके ऊपर। फिर परिस्थितियां कितनी प्रतिकूल बाहर की है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ प्रभाव नहीं होता आपके ऊपर। सो ये सभी दुखों का अंत कर देना, ये धर्म का मूल उद्देश्य है। जीव को हमेशा के लिए सुखी बना देना, उसे ज्ञानवान, विजडम जिसे हम केवल ज्ञान कहते हैं, उस ज्ञान से उसको संपन्न बनाना। तो हमारा उद्देश्य क्या है? या तो हम सुख पाना चाहते हैं, या ज्ञान पाना चाहते हैं, या शांति पाना चाहते हैं। ये तीन ही उद्देश्य से आप जो कुछ भी बाहर में भी जो कुछ कर रहे हैं उसके पीछे उद्देश्य तो यही है कि आप सुखी रहें, आपको कोई तरह की तकलीफ ना हो, कोई तरह का कष्ट ना हो, कोई कठिनाई नहीं हो जीवन जीने में, और उसके लिए आप जो संसाधन चाहिए उन संसाधन को जुटाने में अपना समय लगाते हैं। तो लक्ष्य सुख को पाना है, शांति को पाना है। सब कुछ मिल भी गया तो फिर शांति नहीं है अगर जीवन में, तो व्यक्ति ये सोचता है कि अब धर्म करो। ये पदार्थ के पीछे भागने से शांति मिलती कितनी है पता नहीं, पर हाँ थोड़ा वो सुकून हो जाता है कि चलो हमने जो पाना था वो मिल गया, तो उसके कारण से जो अशांति हो रही थी वो शांति में बदल जाते हैं। किंतु वो मिल जाने के बाद भी व्यक्ति को शांति अनुभव में नहीं आती है। तो जो आंतरिक शांति जिसका हम अनुभव करना चाहते हैं, उसके लिए धर्म का आचरण करने के लिए व्यक्ति जो है तैयार उन्नत बनता है, समुन्नत बनता है, उसकी तरफ उन्मुख होता है। और भावात्मक जो दुख है, या आध्यात्मिक जिसको दुख हम कहते हैं, या उसका नाम है एक तरह से कर्म, तो कर्मों का नाश करने के लिए ही हम धर्म की आराधना करते हैं। कर्म है तो कषाय है, ये रेसिप्रोकल है एक्चुअली। कषाय है तो कर्म के बंधन होते हैं, और कर्म है तो कषाय का उदय होता रहता है। हमारे अंदर अगर क्रोध का उदय हो रहा है तो वो किस कारण से हो रहा है? हमारे अंदर क्रोध मोह ये कर्म है। वो कर्म जब एक्शन में आता है तो हम गुस्से में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। परिस्थितियां तो निमित्त बनती है, उत्तेजक जो है कारण बनती है, उत्तेजना करने का या उसको एक्टिवेट करने का निमित्त बनती है। किंतु तो अगर हमारे अंदर वो क्रोध नहीं है तो हम कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, हम कभी आवेश में नहीं आएंगे, क्रोध में नहीं आएंगे, और क्रोध या आवेश में आकर के हम कोई कोई गलत स्टेप नहीं लेंगे उठाएंगे। सो ये अंदर में कर्म है, कर्म ये एक तरह से आध्यात्मिक दुख का कारण बनता है, आत्मा के दुख का कारण है कर्म। सो इस बंधन कर्म से छूटने के लिए हम धर्म की आराधना करते हैं। सो धर्म की आराधना के अनेक उद्देश्य आपको भगवान महावीर ने बताए हैं कि हम सुखी बनते हैं, मुक्त भी हो जाते हैं, ज्ञानवान भी बन जाते हैं, और असीम शांति का भी अनुभव करते हैं। किंतु ये तभी हो सकता है जब हमारे भीतर वैराग्य पैदा, विरक्ति पहली कंडीशन। अगर हमारे अंदर वैराग्य भाव नहीं है, पदार्थ के प्रति आकर्षण निरंतर बना हुआ है, तो हमारी गति उसी तरफ होगी, है ना? जिस तरफ हमारा आकर्षण है, हमारा सारा व्यवहार, हमारा आचरण,
हमारा चिंतन, हमारा जो भी एक्शन है वो सब उसी दिशा में गति करता है। तो हमें अपनी दिशा को भी थोड़ा सा बदलना होगा। पूरा तो आप बदल नहीं सकते, गृहस्थ जीवन में रहते हुए पूरी तरह से आप उस तरफ पिट कर दे और इस तरफ उन्मुख हो जाए तो पूरा इम्बेलेंस लाइफ में हो जाता है। सो हमें बैलेंस बनाए रखना है, हमें जो जरूरी है काम वो करने भी है, किंतु बाकी समय का हमें इस तरह से यूटिलाइजेशन करना है कि ज्यादा से ज्यादा हम आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत बने। जैसा समी जी ने कहा कि चतुर्मास जो है वो वर्षा काल का एक समय है, इस समय क्लीनिंग करने का सबसे बड़ा, नेचर क्लीन करता है, आप क्लीनिंग नहीं करते हो, इस समय नेचर की क्लीनिंग चलती है। सो इसी तरह ये एक नेचर, जो धर्म की आराधना एक नेचुरल क्लीनिंग प्रोसेस है जो आत्मा की क्लीनिंग करता है ना। तो इस समय हम इसे क्लीनिंग, इस क्लीनिंग प्रोसेस का ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे ले सकते हैं, क्योंकि वातावरण एक समय होता है, काल होता है, समय का अपना इफेक्ट होता है। आप 12 महीने आपसे कहा जाए आपको काम नहीं करेंगे, किंतु अगर चतुर्मास के दौरान वो चीजें कही जाए तो आप जरूर उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि समय अपना एक प्रभाव हो, समय का अपना प्रभाव होता है। इस समय मानसिकता हमारी इस तरह से बन जाती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा तप का अनुष्ठान करना है, ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय करना है, ध्यान करना है, और जो भी नियम हम पालन कर सकते हैं इस दौरान, एटलीस्ट 4 महीने के दौरान या पर्युषण और 10 लक्षण पर्व के दौरान हम जिन नियमों का पालन कर सकते हैं उनका हम अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। तो हमें ये समझना है कि ये जो चतुर्मास है ये विशेष रूप से हमारे लिए धर्म आराधना का एक विशेष अवसर है। इस अवसर का हमें लाभ लेना है, इसको चूकना नहीं है। अवसर जब चूक जाता है तो व्यक्ति के हाथ में क्या लगता है, पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं हाथ में आता है। एक बार अकबर के सामने कुछ इत्र लेकर के कुछ लोग आए, चूंकि मुसलमान लोग और जो विशेष रूप से राजा होते थे उनको क्या बोलते थे, जो मुस्लिम वर्ड क्या, बादशाह, हाँ सुल्तान या बादशाह, इन लोगों को इत्र का बड़ा वो क्रेज होता है। तो उनके सामने वो इत्र लेकर के कुछ लोग आए कि हमारा इत्र बहुत बढ़िया है। उन्होंने देखा जितने भी इत्र लेने वाले लाने वाले थे, एक व्यक्ति ने कहा मेरा इत्र बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, इसमें कहीं कोई कुछ मिक्सचर नहीं है और इसकी सुगंध बड़ी लंबे समय तक बनी रहती है। तो अकबर ने उसका इत्र लिया अपने हाथ में, शीशी ली और उसे जैसे ही खोलने लगा तो खोलते समय कुछ मिस्टेक हो गई तो शीशी नीचे गिर गई, इत्र गिर गया नीचे। अकबर ने देखा कि अगर ये तो इतना पेश मूल्यवान जो इत्र था और नीचे गिर गया और इतना बढ़िया इत्र है, तो उन्होंने हाथ से उठाया और अपने कपड़ों पर लगा लिया, अपने शरीर पर लगा लिया। तो दरबारियों ने देखा इस बात को तो हंसने लग गए कि एक बादशाह नीचे से उठा करके लगाए अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा शिष्टाचार नहीं लगता, मतलब एटिकेट्स कहना चाहिए, कि बादशाह को ये शोभा नहीं देता है। उनके पास में धन की कमी नहीं, अगर चीज गिर भी गई तो दूसरी खरीद सकते हैं। वैसे तो हमारी अपनी कल्चर के हिसाब से ये है कि चीज का उपयोग करना ही चाहिए, उसको वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए, परंतु कुछ कुछ होता है कि कहाँ आप बैठे हो और कौन सा काम को करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए। तो अकबर ने देखा कि ओहो दरबारी मेरे ऊपर हंस रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं लगी मुझे, पर अब करे क्या, दरबारियों को सीख देना था। उन्होंने दूसरे दिन कहा कि देखो, सभी इत्र वालों से कहा कि आपके पास जो भी बढ़िया से बढ़िया इत्र है आप लेकर के आइए। और उसने 2 होद बनवाए, दरबार के दरबारी जैसे ही दरबार में प्रवेश करते बाहर की तरफ 2 होद बनवा दिए, जिसमें एक हाथी का बच्चा एटलीस्ट प्रवेश कर जाता हो, इतने बड़े बड़े होद बनवाए। और कहा कि वो इत्र जितना भी हो आप लेकर के आइए और सारा इत्र मैं खरीदूंगा, आप इन 2 होद को भर दीजिए पूरे इत्र से। लोगों ने कहा कि देखो बादशाह, एक तो एक बार तो यहाँ जमीन से उठा करके लगा लिया और अब इतने इत्र को खरीदने के लिए भी तैयार हो गए। दूसरे दिन जब होद भरे हुए थे और उसमें उन्होंने हाथी के बच्चों को छुड़वा दिया और वो सूंड में इत्र भर भर करके आने वाले दरबारियों पर छिड़कते हैं, सब बड़े खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं कि वाह देखिए ये कोई बादशाह है, कितना उदार है। अंदर जैसे ही दरबार में सभी लोग आए तो बिरबल बड़ा मायूस चेहरा था उसका। अकबर ने कहा कि सभी तो बड़े खुश हैं,
तेरा ही चेहरा इतना इतना मायूस बना हुआ कैसे है? तो बोले कि तूने देखा क्या हो रहा है दरबार में प्रवेश करते समय क्या हुआ? बोले मैंने सब देख तो लिया, पर कहते हैं कि वो जब अवसर चूक जाता है ना तो वो पश्चाताप ही हाथ में लगता है। तो वो क्या कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत है ना। सो उसका कहना है कि भाई आपने कल अगर आप इत्र उठा करके नहीं लगाते तो वो ज्यादा आपकी प्रतिष्ठा के अनुकूल था, बजाय कि आपने ये होद में इत्र डलवा करके दरबारियों के ऊपर छिड़का करके ये सोचा कि उदारता का जो आपने परिचय देने का कोशिश किया है तो वो आप अवसर चूक गए। अब एक्चुअल में तो समय पे जो काम करना था वो आपने नहीं किया, और अब उसके बाद आप चाहे कितना परफॉर्मेंस शो करिए उसका वो इफेक्ट नहीं होना है। सो आपने अनावश्यक ही मनी का वेस्टेज किया है, इस तरह से इत्र का दुरुपयोग किया है एक तरह से, और अब आप भी चाहते हो कि आपकी प्रतिष्ठा लोगों में उस तरह से बने तो वो बात अब नहीं बन सकती है। तो कहने का इतना ही मतलब है कि अवसर चूकने पर पश्चाताप ही हाथ में लगता है ना। तो हमें चतुर्मास का जो अवसर है उसका विशेष लाभ लेना चाहिए, और चतुर्मास चूंकि धर्म आराधना का एक विशेष अवसर है तो धर्म के चार पाए हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र और तप है ना। मोक्ष के चार मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र तप, दूसरा तरीका ये भी दान शील तप और भावना। तो ये चार चार पाए हैं, हम किस रूप में धर्म की आराधना कर सकते हैं? ज्ञान की आराधना विशेष रूप से करें, ये श्रवण का विशेष काल होता है, इस समय साधु साधियों की सन्निधि में जाकर के प्रवचन श्रवण करना, आगम श्रवण करना, सूत्रों का श्रवण करना, ये लोग सबसे ज्यादा प्रेफर करते इस टाइम कि भगवान चतुर्मास के समय, चूंकि साधु साध्वी एक स्थान पर रहते हैं, अन्य टाइम में वो आते हैं चले जाते हैं, कभी 2 दिन रुकते 4 दिन रुकते, पूरा लाभ नहीं मिलता है। चतुर्मास में चूंकि वो एक स्थान पर रहते हैं तो आगम वाणी को सुनने का, सूत्र के व्याख्यान को सुनने का, अनेक प्रकार के तप का जो है अनुष्ठान करने का, मंत्र आराधना करने का, अनेक अन्य दूसरे धार्मिक अनुष्ठान करने का एक सहज अच्छा अवसर मिलता है। तो इसलिए इस समय प्रवचन श्रवण करना ये पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, पहली प्रायोरिटी। दूसरा है कि हम स्वाध्याय करें ज्ञान के नाम पर, अपने ज्ञान का विकास कैसे करें? बाहरी विषयों का ज्ञान तो आपको बहुत है और आप निरंतर करते रहते हैं, और आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से आपको इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि नॉलेज की आपके पास कोई कमी नहीं है। इंटरनेट और गूगल खोल करके देखे तो 70 तरह की सूचनाएं, और अभी आपका AI और आ गया है और फिर AGI और आने वाला है, सो वो भी आ चुका होगा थोड़े कहीं कहीं। सो ये सब चीजों से आपको इन्फॉर्मेशन की बाहरी जगत के बारे में कोई कमी नहीं है, किंतु आंतरिक जगत, जो आंतरिक हमारी आत्मा का जो जगत है, उस जगत के बारे में अगर कोई जानकारी दे सकता है तो वो धर्म शास्त्रों के माध्यम से, धर्म गुरुओं के माध्यम से, धर्म के जो कहना चाहिए एक्सपर्ट्स हैं जो इस विषय को जानते हैं और समझते हैं, उन्हीं के माध्यम से आप उन चीजों को समझ और जान सकते हैं। सो इसलिए स्वाध्याय में स्वयं स्वाध्याय करें, प्रवचन श्रवण करें और अनुप्रेक्षा भी करें। अनुप्रेक्षा का मतलब क्या होता है? चिंतन करना, जो कुछ आप सुनते हैं उस पर थोड़ा कंटेम्पलेट भी करें। आप जस्ट सुनते समय तो सुन ही लेते हैं, उस सबको ध्यान से सुन ही रहे हैं आप अच्छी तरह से, किंतु जब उसके ऊपर वापस थिंक नहीं करते हैं तो वो जीवन में जो उसका एप्लीकेशन होना चाहिए, जो इफेक्ट आना चाहिए, वो नहीं आता है। इसलिए वो जरूरी है कि अनुप्रेक्षा भी करते रहें। इस टाइम दौरान आप यहाँ बैठ करके सुन रहे हैं तब तो आप धर्म का लाभ ले ही रहे हैं पूरी तरह से, आप श्रवण का भी पूरा लाभ ले रहे हैं, किंतु वो आपके 24 आवर्स आपके साथ कैसे वर्क करे, कैसे कंटिन्यू करे, इसके लिए अनुप्रेक्षाओं का बड़ा महत्व है। 16 प्रकार की अनुप्रेक्षाएं या 12 प्रकार की भावनाएं जो है चर्चा की जाती है, वो भी एक प्रकार से चिंतन करने के विषय है। आप उनको भी थिंक कर सकते हो, उनके ऊपर भी विचार कर सकते हो, और नहीं तो कम से कम हम प्रवचन के दौरान जिन चीजों को सुनते हैं और लगता है कि ये बहुत ही काम की चीज है, उस पर आप अपने मन को एक केंद्रित करें और उसके ऊपर मनन चिंतन करें, वो किस तरह से आप अपने लाइफ अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में सोचे, ये भी बहुत आवश्यक है। ये भी एक प्रकार का स्वाध्याय का अंग है। स्वाध्याय के 5 प्रकार माने जाते हैं, वाचना, रचना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते थे कि पढ़ते बहुत कुछ है,
सुनते भी हैं और पढ़ते भी हैं, सुनना और पढ़ना एक ही बात है। सुनते और पढ़ते बहुत कुछ है परंतु जिज्ञासा बहुत कम करते कभी कभी, तो हमें वो विषय कितना क्लियर हुआ इसका पता नहीं रहता, इसलिए पूछना भी चाहिए, जिज्ञासा भी करना चाहिए, प्रश्न भी करना चाहिए और परिवर्तन उसको रिवाइज भी करते रहना चाहिए। जो कुछ आप लर्न कर रहे हैं अगर आप उसको रिपीट रिवाइज नहीं करते हो एक टाइम ड्यूरेशन के बाद में, तो वो दिमाग से चीजें निकल जाती है, तो इसमें इन्फॉर्मेशन तो बहुत जाती है किंतु वो अंदर में रहती नहीं है, वो निकल जाती है आप कुछ समय के बाद आप अगर उसे रिपीट नहीं करते। सो रिवाइज करना भी बहुत जरूरी है, उसको कहते हैं हम लोग कहते हैं स्वाध्याय करना। सुबह उठ करके जैसे हम लोग आंख का स्वाध्याय करना हमारे लिए अनिवार्य होता है कि आप दसवें कालिक उठ करके सुबह पूरा का पूरा दसवें कालिक अगर स्वाध्याय करते तो बहुत ही अच्छी बात है, एटलीस्ट पूरे वीक के अंदर आप स्वाध्याय कर लीजिए। तो आपने जो लर्न किया है बाई हार्ट उसको रिवाइज करिए ओरली विदाउट टेक्स्ट, तो इस तरह का जो स्वाध्याय किया जाता है तो वो भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को तत्व ज्ञान के थोपड़े पता होते हैं सो वो तत्व ज्ञान को रिवाइज करते हैं, कुछ आगम कंठस्थ करते हैं तो आगम को रिवाइज करते हैं, कुछ इस तरह के धार्मिक जो भी श्लोक है, स्तुति है, स्तवन है, भक्तावर है, कल्याण मंदिर है आदि इस तरह के स्तोत्रों का को कंठस्थ करके उसको रिवाइज करते हैं। तो ये रिविजन भी बहुत जरूरी है, जब बार बार जब रिवाइज करते तो आपके अंदर उस तरह की भक्ति उस तरह की भाव विशुद्धि पैदा होती है। वाचना पृच्छना परिवर्तना अनुप्रेक्षा चिंतन करना, आप बहुत सारी चीजें लर्न तो बहुत कर ली है किंतु अब सबको एक साथ सोचना आपके लिए संभव नहीं, किसी एक पॉइंट को जो आपके लिए बहुत काम का है, बहुत आवश्यक है, उपयोगी है आपके लिए और आपको अपील क्लिक करता है वो चीज, तो उस पर आप कंसंट्रेट करें, उस पर फोकस करें, उस पर थिंक करें। और कहा जाता है कि आचार्य ऋषि कहते थे कि आधे घंटे आप पढ़ते हो तो 2 घंटे कम से कम थिंक करो जो कुछ आपने पढ़ा है आधे घंटे के अंदर, तो उससे आपके अंदर एक नई इंसाइट डेवलप होती है, नए आइडियाज आपके अंदर जनरेट होते हैं, आप उस नए उस चीज को नए पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं, अपना आपका एंगल है उस चीज को किस तरह से आप उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, तो आपके अंदर वो इंसाइट डेवलप होती है और आप एक नई जो है दृष्टि आपके अंदर मिलती है। और धर्म कथा यानी धर्म कथा इस धार्मिक जो चीजें हैं आप जो लर्न करते हैं आप दूसरों से भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि दूसरों का भी कल्याण हो, उनको भी कुछ नए थॉट्स मिले, कुछ नए विचार मिले। जैसे हमें शरीर के लिए हमें भोजन निरंतर चाहिए, शक्ति नहीं हमें अर्जित करना पड़ता है, हम जो शक्ति अर्जित करते हैं आज के भोजन से वो खर्च हो जाती, तो फिर हमें नए भोजन की आवश्यकता होती है नई एनर्जी के लिए। इसी तरह से हमारे माइंड की एनर्जी क्या है, अच्छे थॉट्स हैं, अच्छे विचार हैं, हमें जिस तरह से भोजन शरीर के लिए चाहिए वैसे ही दिमाग को थॉट्स चाहिए, अच्छे विचार चाहिए, अच्छे चिंतन चाहिए, तो इस अच्छे आइडियाज चाहिए। तो ये भी आपका तभी हो सकता है जब आप निरंतर स्वाध्याय करते हैं, आपके अंदर नए थॉट्स जनरेट होते हैं। हमारे संघ के आचार्य हुए चौथे आचार्य जयाचार्य जिनका नाम है जीतमल जी, वो उत्तराधीन सूत्र कहते हैं, सुबह सुबह उठ करके पूरा चिता उत्तराधीन सूत्र में कितने 3 घंटे का स्वाध्याय करते थे खड़े खड़े, पूरा टेक्स्ट ओरली रिवाइज करते थे। और वो कहते हैं रोज में जब अध्ययन करता रिवाइज करता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ नया अर्थ समझ में आता है, भगवान की वाणी से कुछ नए अर्थ निकलते हैं, तो वो कहते थे नया रत्न मिला आज मुझे। वो संतों से कहते थे कि देखो संतो आज मुझे एक नया रत्न मिला, तो जब मैं उत्तराधीन का स्वाध्याय करता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ नई दृष्टि मिलती है। सो वो शेयर करते थे फिर उस चीज को कि देखो मुझे क्या नई बात समझ में आई। कहा जाता है कि जो भी धर्म कथा होती है यानी तीर्थंकरों की वाणी होती है या किसी महापुरुष के लाइफ के बारे में आप जब कभी पढ़ते हो तो उस उनके बारे में जो कुछ पढ़ते हो उसका कई बार आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नए अर्थ आपको समझ में आते, इनकी वाणी का इतना अतिशय होता है, इतना गांभीर्य होता है उनके शब्दों में कि अनेक नए अर्थ निकलते रहते हैं। इसलिए कई तरह की टीकाएं की जाती है आगमों पर, 10-10 प्रकार की लगभग टीकाएं हैं, यानी हर आचार्य उसकी व्याख्या अलग अलग तरीके से कर रहा है क्योंकि नए अर्थ समझ में आते हैं। आप कुछ समझ रहे हो, मैं कुछ समझ रही हूँ, थर्ड पर्सन कुछ और समझ रहा है, तो वो उसी तरह से टेक्स्ट को इंटरप्रेट करता है, तो अनेक तरह की टीकाएं बन जाती है, तो शब्दों के नए नए अर्थ हमें समझ में आते हैं। तो ये समझना है कि ज्ञान अनुप्रेक्षा करने से हमें नई इंसाइट मिलती है चीज के बारे में, नए आइडियाज हमारे दिमाग में क्लिक करते हैं,
कुछ नई थ्योरी आप डेवलप कर सकते हैं, कुछ नए कंसेप्ट ला सकते हैं, और उससे भी आप अपना स्वयं का तो विकास करते ही हैं, समाज को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। दर्शन है, श्रद्धा, भक्ति, इस समय हम ज्यादा तीर्थंकरों की स्तुति करें, ठीक है ना। तो डिवोशन हमारा शो होना चाहिए, गुरुओं की, साधु भगवंतों की, आचार्यों की, तीर्थंकरों की, हम जितने इस समय भक्ति कर सकते हैं, तो उनकी भक्ति, उनकी स्तुति गीत, तो भक्तामर का रोज पाठ करें, कम से कम शाम को अगर हो सकता है तो कल्याण मंदिर का पाठ करें। तीर्थंकर पार्श्वनाथ की स्तुति है, भगवान भक्तामर की तरह ही है। अन्य जो स्तुतियां हैं, चौबीस भगवान की, चौबीस तीर्थंकर की, लोगस्य का पाठ कर सकते हैं। तो ये जो डिवोशन है, इस समय हम कितनी ज्यादा भगवान की स्तुति और परमात्मा के प्रति हमारी भक्ति को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, इस तरह के भक्ति पर गीतों का संगान भी कर सकते हैं। सुबह उठ करके कुछ लोगों को गीत बहुत पसंद होते हैं तो उसका संगान करते हैं। तो ये दर्शन का हमारे अंदर कैसे विकास हो। तीसरा है चारित्र, ऑब्जर्विंग रिलीजियस रूल्स एंड रेगुलेशंस और एक्सेप्टिंग 12 वाउस। चारित्र यानी नियम, आचरण में हमारे कुछ चीजें प्रैक्टिस में भी आनी चाहिए। जस्ट भगवान के प्रति श्रद्धा होना या नॉलेज होना सफिशियंट नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणि मोक्ष मार्ग। श्रद्धा पर्याप्त नहीं है, ज्ञान भी पर्याप्त नहीं है, आचरण से पर्याप्तता आती है, पूर्णता आती है। तो इसलिए थर्ड स्टेप क्या है कि हमें आचरण, हमें इन चीजों का, नियमों का पालन भी करना है। तो हमने आपको चतुर्मासिक के दौरान, पूरे चतुर्मास में एटलीस्ट एक व्यक्ति एक उपवास एक दिन के लिए करे, इतने व्यक्ति हैं अगर तो कितने, एक महीने का करीबन उपवास तो बुकिंग हो ही गई, दूसरे महीने में भी एक ही उपवास करना है, तीसरे महीने में एक ही उपवास करना है, ऐसा कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। तो हमने आपको एक गूगल फॉर्म भेज रखा है, आप पर डे एक ना एक व्यक्ति जो है अपना एक नाम उसमें अंकित करे कि आज मैं उपवास करूंगा, दूसरे दिन दूसरा व्यक्ति उपवास करे। अनेक स्लोट्स भी हमने इसलिए डाल दिए हैं कि कुछ लोग इस पर्टिकुलर डेज के अंदर कुछ लोग, काफी लोग उपवास करते हैं, तो वो भी अपना स्लोट उसमें डाल सकते हैं। ये कहने का इतना ही मतलब है कि उपवास करना, आयंबिल करना, आयंबिल तप का बड़ी महिमा है, आप सभी जानते हैं उसके बारे में। और ओली जी होती है वर्ष में 2 बार, इस चतुर्मास के दौरान भी कोई ओली जी की तप की तरह से तप का अनुष्ठान कर सकता है, आयंबिल तप भी कर सकते हैं, और कम से कम वंस इन ए मंथ भी कर सकते हैं। सो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो तप के कई हमने प्रयोग दिए हैं, साथ साथ में आपको हमने छोटे छोटे कुछ नियम भी भेजे, अलग से गूगल फॉर्म पहले भेजा था, जिसमें आप प्रतिदिन कुछ इस तरह के नियम का पालन कर सकते हैं। उन नियमों में भी आप जिसको जो करना है, मेडिटेशन, स्वाध्याय या कुछ नियम जो आप पालन कर सकते हैं वो कोशिश करें। एंड तपस्या, तपस्या के बहुत प्रकार हैं। भगवान महावीर ने तपस्या को कर्म निर्जरा का बहुत बड़ा साधन माना, ठीक है ना। सो हमारा लक्ष्य क्या है, कर्मों के निर्जरा है, कर्मों को समाप्त करना है, कर्म बंधन से मुक्त होना है, और उसके लिए हम तप के कितने अनुष्ठान कर सकते हैं। तो ये हमारा जो चतुर्मास है, ये विशेष इसका उद्देश्य क्या है कि आपको बहिरात्मा से अंतरात्मा और अंत में परमात्मा बनाना है, ये मूल इसका उद्देश्य है। धर्माराधना का उद्देश्य क्या है, आप केवल बहिर्मुख ना रहे, बाह्य जगत के में ही अपने समय को पूरा स्पेंड ना करें, बल्कि अंतर्मुख बनने की भी कोशिश करें, और परमात्मा की तरफ आपकी गति भी होनी चाहिए। उसके लिए आपको तप के अनुष्ठान जितने भी प्रकार से आप कर सकते हैं, तो ये 12 प्रकार के तप के अनुष्ठान विशेष रूप से है। अंशन, इसमें आप फास्टिंग कर सकते हैं, आयंबिल कर सकते हैं, एकासन कर सकते हैं, जो 10 प्रत्याख्यान सबनी जी ने बताए, वो सब तरह के प्रत्याख्यान आप इसमें, इसके अंतर्गत कर सकते हैं। और विशेष रूप से जब पर्युषण पर्व की आराधना शुरू होगी, तो शनिवार से पर्युषण प्रारंभ हम 31 अगस्त से हम शुरू कर रहे हैं, तो वो 31 सैटरडे है, फिर संडे है, फिर मंडे आपका वेकेशन है, कोई हॉलीडे है कोई कारण से, तो 3 डेज का आप चंदन बाला का तेला कर सकते हैं। तेला बोलते हैं, अट्ठम बोलते हैं, या जो भी लोग जिस भाषा में भी समझे, तो चंदन बाला का तेला है ना, 3 दिन तक, जैसे चंदन बाला ने 3 दिन तक भूखी और प्यासी रही थी, तो क्या हम उस तरह का तेला कर सकते हैं। चाहे हम स्टार्टिंग में करें, चाहे एंड में, 5 से 7 जो आपकी डेट है संवत्सरी की, तो वहां भी उसमें भी आप तेले का अनुष्ठान कर सकते हैं। और अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक करें तो 28 का तक कर सकते हैं। तो जैसा समी जी ने बताया कि 2024 28 होने वाली है, परंतु 24 हमारी जानी चाहिए अमेरिका की तरफ से, नहीं 24 28 का हमारा, वहां पे हम रिकॉर्ड भेज सकते हैं,
कि 2000 अगर उधर हो रही है तो 24 अमेरिका में हुई है, ऐसे 2024 हो गई। ओके, सो एक लक्ष्य बनाए कि 24 अठाइयों कम से कम हो, जितनी भी हो सकती है। तो आप अठाई का संकल्प भी कर सकते हैं। पुनोदरी का मतलब है कि आप खाते समय अपना भोजन में आप रोज जो जितने आइटम्स खाते हैं उसमें थोड़ा कम कर सकते हैं। दो तीन सब्जी खाते तो दो ही खाएं, दो खाते तो एक ही खा सकते हैं, फल का दो खाते तो डेढ़ ही खा सकते हैं। तो ऐसा थोड़ा अपना खाने में जो आपकी मूल डाइट है उसमें थोड़ा कम लेने का संकल्प पूर्वक ऐसा प्रयोग करें तो ये उनोदरी तप कहलाता है। और ये भी बड़ा कठिन तप है, इससे भी बहुत नर्जना होती है। भिक्षाचरी या भक्तिज्ञा भील है। भिक्षाचरी का मतलब है कि किसी तरह का अभिग्रह, जिसको अभिग्रह कहते हैं उसको शास्त्र की भाषा में भिक्षाचरी भी कह दिया जाता है। सो आप अभिग्रह इस तरह से संकल्प करें कि मैं नौकरशी के बाद ही आहार ग्रहण करूंगा या ब्रेकफास्ट लूंगा, इतना सा संकल्प तो कर ही सकते हैं ना। तो इस तरह से आप संकल्प करते हैं तो ये भी एक तरह का अभिग्रह जैसा हो जाता है, या इतना स्वाध्याय करने के बाद ही मैं ब्रेकफास्ट लूंगा, तो ऐसा भी कुछ इस तरह के जो संकल्प किए जाते हैं वो अभिग्रह कहलाते हैं। रस परित्याग जिसको विगय वर्जन कहा जाता है, 10 तरह के विगय माने जाते हैं, तो उसमें से 6 तो विगय कहलाते हैं और 4 महाविगय कहलाते हैं। मद्य यानी शराब महाविगय है, यानी पाप, उसमें उसको सेवन करना एक तरह से बड़ा पाप माना जाता है। इसी तरह से नॉनवेज लेना बड़ा पाप माना गया है। मक्खन को भी जल्दी से नहीं लेना चाहिए। बटर 48 मिनट्स के बाद कहा जाता है कि उसमें अनेक समूर्छित जीव उत्पन्न हो जाते हैं। अभी यहाँ की अलग बात है, फ्रीजिंग करना और वगैरह उस प्रोसेस से क्या होता है क्या नहीं होता है, बट जनरली ओपन रहता है अगर, तो फ्रेश निकलने के बाद 48 मिनट के बाद उसमें समूर्छित जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इस वजह से उसको महाविगय के अंतर्गत माना गया कि मक्खन को भी अवॉइड करना चाहिए। एटलीस्ट 4 महीने चतुर्मास के दौरान ऐसा कर सकते हैं। और शहद तो अभी सेवन नहीं करना, यानी हनी का उपयोग नहीं करना। ये 4 चीजें तो प्रोहिबिटेड है एक तरह से, बनी वहां तक इनका उपयोग ना किया जाए। किंतु तो उसके अलावा जो है मिल्क प्रोडक्ट और चीनी प्रोडक्ट जितनी भी चीजें हैं, ऑयल प्रोडक्ट जितनी भी चीजें हैं उनको अवॉइड करना, ये 6 तरह के विगय के अंतर्गत आता है। जो जितना कर सकता है, जिसको जो सुटेबल हो हेल्थ के हिसाब से, जो जरूरत हो उसको ध्यान रख करके क्या कर सकता है। काया क्लेश का मतलब है एक्सरसाइज करना, आसन प्राणायाम करना, तो ये भी जरूरी है। क्योंकि साधना में जब हमारे भीतर में अगर हमारी बॉडी में कोई टॉक्सिन्स जमा है तो हम मेडिटेशन लॉन्ग टाइम के लिए कर नहीं पाएंगे, या बॉडी में कई तरह के पेन अगर हो रहे हैं तो उसके कारण से आप मेडिटेशन में या कोई भी आप अनुष्ठान करना चाहें तो आप उसमें स्थिर नहीं रह पाएंगे। इसलिए शरीर को साधना, शरीर एक्सरसाइज करना, बॉडी पोस्चर्स को प्रैक्टिस करना, ये भी बहुत जरूरी है। तो एक काय क्लेश है। प्रतिसन्नता है। प्रतिसन्नता का मतलब है कि अपनी इंद्रियों पर भी नियंत्रण करें। हमारी इंद्रियां निरंतर बाह्य जगत में उलझी रहती है, कभी कुछ देखना, कभी कुछ सुनना, कभी कुछ बातें करना, खाना पीना, इधर उधर घूमना। तो थोड़ा सा उस पर भी नियंत्रण करके अपना समय जो है धार्मिक आराधना में लगाने की कोशिश करें। प्रायश्चित तो होता है कि हमारे से अगर कोई मिस्टेक हो गई, तो चूंकि आज चौमासी पक्षी प्रतिक्रमण है तो ये एक प्रकार का प्रायश्चित ही किया जाता है। इसमें कि 4 महीने में आपका जो भी दोष, कोई भी नियम आपने लिया है, व्रत लिया है, उसमें कोई दोष लगा है तो उसकी शुद्धि के लिए आप प्रतिक्रमण करते हैं और 20 लोगस्य का ध्यान करके अपनी शुद्धिकरण करते हैं। तो प्रायश्चित के अनेक तरीके हैं। विनय यानी अपने बड़ों का, गुरुओं का, गुरु भगवंतों का, सबका विनय करें, रिस्पेक्ट करें। जो भी अपने सीनियर हैं, एल्डर्स हैं, नॉलेज आपको देते हैं, हमारी हेल्प करते हैं कोई भी, सभी हर व्यक्ति का ही रिस्पेक्ट करना चाहिए। वैयावृत्य का मतलब है कि साधु संतों की सेवा करना या किसी नीडी पर्सन को की हेल्प करना, ये वैयावृत्ति के अंतर्गत समझा जाता है। स्वाध्याय तो है ही है। ध्यान जो है मेडिटेशन, तो हम आज मेडिटेशन का हमने इसलिए एक शॉर्ट कैंप भी रखा है। सो इसके बाद हम मेडिटेशन शुरू करेंगे। सो मेडिटेशन भी जो है कर्म निर्जरा का बड़ा साधन माना गया। और आप देखेंगे तो तीर्थंकरों की मूल साधना क्या है, वो ध्यान ही करते हैं, है ना। उनको और कुछ करने की जरूरत नहीं, बाकी कुछ ज्ञान तो उनको है ही सारी चीजें। अब उनको केवल ध्यान करके अपने कर्मों की निर्जरा करना है। सो वो केवल अपने शुद्ध आत्मा पर ध्यान करते हैं, शुक्ल ध्यान में रहते हैं, अपने कर्मों का निर्जरण करते रहते हैं। सो मेडिटेशन ही उनकी मूल प्रैक्टिस होती है। सो ये जैनों की मूल प्रैक्टिस है, मूल साधना है, धर्म का मूल स्वरूप है, ठीक है ना। सो इस ध्यान साधना के द्वारा आप मन से, वचन से और कर्म से अपने आप को हर प्रकार की प्रवृत्ति से मुक्त करते हैं और केवल आत्मस्थ रहने का प्रयास करते हैं।
व्युत्सर्ग है, व्युत्सर्ग का मतलब है शरीर के प्रति थोड़ा अटैचमेंट कम करें, जिससे कि आप तपस्या अनुष्ठान आदि कर सके, नहीं तो हमारा ध्यान फिर खाने की तरफ रहता है, और खाना है तो बनाना भी है, बनाना है तो आगे के ताम झाम सारे उसमें भी समय लगाना है, तो बहुत सारा समय हमारा उसके पीछे चला जाता है। तो हम किस तरह से अपने अंदर त्याग वृत्ति का भी विकास करें, ये सब चीजें निर्जरा के बड़े साधन कहलाते हैं। इन साधनों का हम कितना अधिक उपयोग कर सकते हैं चतुर्मास के दौरान, ये हमें खास समझना है। तो ये चतुर्मास का अवसर इन्हीं सब चीजों के प्रैक्टिस के लिए स्पेशल है, और चतुर्मास का पूरा प्रोग्राम आपको हम वैसे मोस्टली फ्लायर के माध्यम से भेज चुके हैं कि बाई वीकली स्वाध्याय निरंतर जो हमारा फिक्स है, सेकेंड संडे और फोर्थ संडे का, वो तो फिक्स है ही। उसके अलावा पर्युषण और जब 10 लक्षण पर्व होगा तो उसमें प्रतिदिन ही प्रवचन होंगे, तो उसका टाइम स्केड्यूल भी भेज दिया जाएगा, उसके टॉपिक्स भी भेज दिए जाएंगे। एंड जो है इसके अलावा हमने सैटरडे फर्स्ट जो सैटरडे आता है मंथ का, उसको हमने कैंप में कैंप ऑर्गेनाइज, और उसमें मंत्रों के विशेष साधना, तो आप नमस्कार महामंत्र की विशेष साधना कर सकते हैं, भक्तामर की कुछ विशेष अनुष्ठान कर सकते हैं, और इसी तरह से लोगस के भी विशेष कल्प किए जाते, अनुष्ठान किए जाते हैं। उपसर्ग हर स्तोत्र है, उसकी भी विशिष्ट साधना की जाती है, नवोत्थानम सूत्र की भी की जाती है। तो इस तरह से कई मंत्रों की विशिष्ट साधना करके अपने आत्मशोधन को और अधिक आप गति प्रदान कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है, तो ये प्रोग्राम्स हमने चतुर्मास के दौरान आपको दे दिए हैं, और बीच बीच में जो कैंप होने हैं उसकी भी सूचनाएं आपको मिल गई है और भी